महंगाई भत्ता, तो जी महंगाई भत्ते पर रोक लगाने का, एक तो हिमांशु जी मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि पूरे महंगाई भत्ते पर रोक नहीं लगी है, जी महंगाई भत्ता केवल इस वर्ष का जो है वो आगे नहीं दिया जाएगा, और उसको भी एक वर्ष के बाद, फिर जब उसकी काउंटिंग होती 2016 के हिसाब से ही काउंटिंग होती है, तो जी डीए उस समय सारा इकट्ठा जोड़ दिया जाएगा, तो केवल एक साल के लिए ये जो 4% 5% की बढ़ोतरी होनी है उसी को रोका गया है, और वो जी भी एक साल के लिए, बाद में तो उसमें सम्मिलित होकर के मिलेगा ही। जी इस प्रकार से हम प्रदेश में भी सोच रहे हैं कि कुछ प्रावधान हम ऐसे करें जिसमें से खर्चे हमारे घटाए जा सकें। जी नई भर्तियों पर अभी हमने एक साल के लिए रोक लगा दी है, जी एलटीसी किसी भी कर्मचारी को नहीं मिलेगा इसके लिए भी हमने कह दिया है, तो नए खर्चे हमारे और ना आगे बढ़े। हमारे जो डिस्क्रिशनरी कोटा मंत्रियों का, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का, उसमें से हमने 51 करोड़ रुपए के ऊपर एक बैन लगा दिया, 51 करोड़ रुपया उसका कंसोलिडेट फंड में ही चला जाएगा, उस पर हमने कम कर दिया है। और सैलरीज तो सब जितनी है वो सब दी जाएंगी, जी लेकिन सैलरीज के अलावा विकास के काम अब प्राय जो पहले चल रहे हैं वो जी तो होंगे, जी आगे जो विकास के काम है कम से कम अगले 2-3 महीने में होने वाले नहीं है, शुरू ही करेंगे। तो जी बहुत चीजें ऐसी रोकनी पड़ेंगी, बहुत चीजें रेगुलर चलानी पड़ेंगी, और जो जो हमारे डेट्स हैं उसकी रीपेमेंट है कल, जी वो भी हम रखने वाले हैं प्रधानमंत्री जी के सामने कि उसको किस प्रकार से हम डेफर करवा सकते हैं, ताकि वो डेफर होकर के और कुछ साल के लिए उनको डेफर करने के बाद में दिया जाए, इंटरेस्ट भी बाद में दिया जाए, ताकि हम आवश्यक काम जितने प्रदेश के हैं उनको चला सकें, डेफर करने वाले डेफर करें, कम करने वाले कम करें। तो मैं समझता हूं कि अगले महीने तक ये सारी स्थिति साफ